आज हम आपको आज अपन एमएस वर्ड स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको टास्क बार की सेटिंग करना बता देते हैं। ये क्या होता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के नीचे ये जो आपको पट्टी दिख रही है इसको अपन बोलते हैं टास्क बार। कंप्यूटर को अपन जब कोई भी टास्क देते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे टास्क बार पर शो होता है, तो इसलिए अपन इसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार की आपको सेटिंग करना है। वैसे अभी तो जो सेटिंग है उसकी सही है, लेकिन फिर भी आपको चेंज करना है कुछ। तब आप क्या करेंगे, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। कहीं पर भी आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अकेला पर्सनलाइज ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे। बाकी आप किसी भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा। किसी पर भी आप राइट क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन क्यों आता है कि आपको जैसे कि इस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करने, कोई इसकी सेटिंग चेंज करनी है। अपन मोबाइल में किस में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स खुल जाती है। ठीक है, इसी तरह से अपन को टास्क बार की सेटिंग चाहिए, तब अपन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टास्क बार के ऊपर और यहाँ पर आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, इस तरह की ये जो विंडो खुलती है इनको अपन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, जिनमें सिर्फ ओनली क्लोज बटन होती है। मतलब आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, वो आप आगे समझ जाएंगे। नीचे ऊपर लिखा हुआ रहा है टास्क बार एंड नेविगेशन प्रॉपर्टीज, मतलब टास्क बार की प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल गई है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉक द टास्क बार। आप अभी देख रहे हैं कि इस पर टिक है, इस पर टिक है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट है। आप इस पर से टिक हटा देंगे और यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिलते हैं दो, एक अप्लाई और एक ओके। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तब भी ये जो आपने सेटिंग की है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा आया है ये हटेगा नहीं, मतलब ये यहाँ पर ही रहेगा। और आप अगर ओके करेंगे तो क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं हमने लॉक द टास्क बार पर से क्या हो गया, क्लिक हटा दिया। तो अभी आप देख रहे हैं टास्क बार के साइड में आप माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है। इस साइन का, इस माउस पॉइंटर का मतलब रहता है कि आप ये जो भी कुछ भी आया उसको आप छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो साइज है वो बड़े है। आप इस पर कुछ भी खोलेंगे तो इस तरह से बड़ा हुआ आएगा। अब आपको इसको छोटा करना है तो इसी पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए और नीचे की साइड आप इसको कर दीजिए, लेकिन कभी भी आप करेंगे तो इस तरह से होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लॉक द टास्क बार पर टिक था, इस पर से क्लिक हटा दिया है। तो नॉर्मल जो साइज है वो टास्क बार का यही होता है। आप इसका नॉर्मल साइज रखना चाहते हैं तो आप लॉक द टास्क बार कर देंगे। अगर जैसे कि आपने इसका साइज बढ़ा दिया, अब आपने इस ऑप्शन पर, ये ऑप्शन आपको बाहर भी मिल जाता है अंदर भी मिल जाता है, आप इस पर टिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं अब जो पहले माउस पॉइंटर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। मतलब अब आप इसको ना तो छोटी कर सकते ना ही बड़ी कर सकते। अब आपको नॉर्मल इसका साइज करना है तो पहले आप इस ऑप्शन पर से क्लिक हटाइए, फिर आप साइड में इसमें माउस पॉइंटर लेकर जाइए और इसको यहाँ से छोटा कर दीजिए। फिर इसके बाद लॉक द टास्क बार पर क्लिक कर दीजिए, तो अब इसको कोई भी छोटी या बड़ी नहीं कर पाए। इसके बाद इसी में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। आप इस पर, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी टास्क बार हाइड हो जाएगी। मतलब हाइड कैसे होगी कि जब आप यहाँ से कोई भी वर्क कर रहे होंगे तो हाइड हो जाएगी, लेकिन जब नीचे की साइड आप माउस पॉइंटर लेकर आएंगे तो आ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की साइड लेकर जाएंगे माउस पॉइंटर तो हट जाएगी। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको टास्क बार की जरूरत नहीं है तब आप क्या कर सकते हो, आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो या कोई लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर में रहना है और किसी जगह पर नहीं जाना, तब आप यहाँ पे टास्क बार की सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से आप इसी ऑप्शन पर जाकर टिक हटा देंगे इस पे से, और यहाँ से आप देखिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सेटिंग जो थी वो चेंज हो गई, लेकिन ये डायलॉग बॉक्स नहीं हटा। लेकिन अगर हम यहाँ से कुछ और सिलेक्ट करके और डायरेक्ट हम इसको ओके कर देते तो क्या होता है, सेटिंग अप्लाई हो गई लेकिन डायलॉग बॉक्स हट जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है ये यूज स्मॉल टास्क बार बटन। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे टास्क बार पर जो भी ऑप्शन आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हो गए। यहाँ पे ये जो हो रहे आ रहे हैं ये भी आइकन छोटे छोटे हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अपन ने यूज स्मॉल स्मॉल टास्क बार बटन पर क्लिक कर दिया। आप इस पर से टिक हटा देंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन इस पर टिक करके रखना है, बाकी इन पर अपन को जब जरूरत पड़ती है तब आप इनका यूज कर सकते हैं, बाकी आपको इनको नॉर्मल रखना है। इसके बाद आता है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। आप अभी देख रहे हैं टास्क बार की लोकेशन स्क्रीन पर कहाँ है, बॉटम में यानी कि नीचे है। आप इसको ये साइड में, ये जो इस तरह के एरो आते हैं इनका मतलब रहता है, इनको बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई लिस्ट खुलती है, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस तरह के जो एरो आते हैं उनमें आप समझ जाया करो कि अगर ये बना है तो इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्लिक करेंगे आप देखेंगे और ऑप्शन आपके सामने। तो अपन अभी आ रहे थे टास्क बार लोकेशन, तो इसमें अभी बॉटम में है, आप चाहते हैं लेफ्ट में आना चाहिए, तो आप लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट में आ जाए। अब लेफ्ट, इसमें लेफ्ट और राइट का क्या है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आप अपना लेफ्ट कौन सा है, इस साइड वाला, और यहाँ पे हमने जब लेफ्ट सेलेक्ट किया तो कौन सा आया, इसी साइड वाला, ठीक है। जबकि अपने सामने जो व्यक्ति होता है उसका अगर अपना लेफ्ट ये है तो उसका लेफ्ट ये होगा, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, जो आपका लेफ्ट है, जिस साइड आपका लेफ्ट है उसी साइड कंप्यूटर का लेफ्ट होता है, और जिस साइड आपका राइट है यानी कि ये राइट है आपका, तो ये कंप्यूटर का राइट है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे राइट और अप्लाई करेंगे तो ये राइट में पहुंच जाएगा, काम उसका वो ही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, ये राइट में चली जाएगी या लेफ्ट में चली जाएगी, और टॉप करेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे आप टॉप में आ जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन घूम गई, नहीं, देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन वैसी ही है, आप इसमें कोई भी काम करते हैं सेम वो वैसा ही खुलेगा जैसा काम कर रहा था, बस क्या हो जाएगा ये इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको अपन नॉर्मली कहाँ रखते हैं, बॉटम में, और यहाँ से अपन अप्लाई कर देते हैं तो ये आपकी कहाँ है, बॉटम में आ जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर है, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका टास्क बार बटन्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ऑलवेज कम्बाइंड, हाइड लेबल्स, कम्बाइंड व्हेन टास्क बार इज फुल, और नेवर कम्बाइंड। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे, अभी हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये होता है एमएस एक्सेल, ठीक है, इसकी हम एक विंडो यहाँ पर, इस पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे एक विंडो खुल गई और ये यहाँ पर आपको शो होने लगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और खोल रहे हैं, जैसे हमें कुछ गूगल पर कुछ सर्च करना है तब हम यहाँ पर गूगल क्रोम खोलेंगे, तो आप देखेंगे इसको हमने खोला तो ये कहाँ आ गया, टास्क बार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टास्क बार, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन कंप्यूटर को टास्क यानी कि कोई भी काम देते हैं तो वो टास्क बार पर आता है, इसलिए अपन इसको टास्क बार बोलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं एक हमारे पास एक्सेल की खुली हुई है, एक गूगल क्रोम की खुली हुई है विंडो। अब हम एक बार और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो हो गई है, आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, देखिए एक ये बता रहा है, एक ये बता रहा है, दो हो गए, और इसने क्या है, अभी एक ही है। अब हम एक बार और इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी क्या है, दो है, इसमें भी दो है, और आप इसी तरह से तीन चार विंडो एक ही जैसे सॉफ्टवेयर की खोलते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक ही के अंदर एक खुलती जाती है, मतलब एक ही उसमें रहती है। क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्योंकि अपन राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, यहाँ से क्या सिलेक्ट है, ऑलवाइज ऑलवेज कम्बाइन। इसका मतलब है कि जो भी सेम सेम विंडो आप खोलेंगे वो हमेशा कंबाइन होंगी, एक ही में खुलेंगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से इसका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं पहले हम आपको, नेवर कंबाइन, आप इस पर क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी सेम सेम विंडो खुली होंगी वो कभी भी कंबाइन नहीं होंगी, वो अलग अलग ही इसमें खुलेंगी। जैसे कि ये वाली विंडो अलग खुल रही है, ये अलग खुल रही है, ये अलग खुल रही है, जैसे कोई अलग सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया, नेवर कंबाइन। और इसके बाद यहाँ से ऑलवेज करेंगे तो क्या होगा, हमेशा सेम सेम जो विंडो खुलेंगी कंबाइन होंगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल। इसका मतलब है कि कंबाइन तो होनी चाहिए, लेकिन कब, जब टास्क बार फुल हो, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेल की विंडो सिर्फ कंबाइन है, बाकी सब कंबाइन नहीं है। अब हम यहाँ से कुछ और खोल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से एक बार और गूगल क्रोम की विंडो खोली, अभी भी नहीं हुई कंबाइन। अब यहाँ पे कुछ और खोल लेते हैं, कोई और सा सॉफ्टवेयर, तो आप देख रहे हैं गूगल क्रोम की विंडो कंबाइंड होगी। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब आप इस खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, इसमें आप थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ही ऑप्शन आने चाहिए सेम। खाली जगह में अपन राइट क्लिक करेंगे, देखिए अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ये आप आ गए।
आप यहाँ से प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, आप यहाँ से हमेशा यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे, फर्स्ट वाला ऑलवेज कंबाइन हाइट लेवल्स, आप इसको ओके कर दें। वैसे भी आपको समझ में आ ही जाता है, आप देख रहे हैं कि एक्सेल की तीन विंडो खुली है, तो उसमें इस तरह की कुछ तीन परत